आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। पत्रकार अर्णब गोस्वामी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता लगातार कर रहे विरोध। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर बरघर व भाजपा कार्यकर्ता भाजपा वरीय नेता छट्टूलाल साव के नेतृत्व में लगातार विरोध जताने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता छट्टूलाल साव के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के विरोध में एवं पत्रकार अर्णब गोस्वामी के समर्थन पर गुरुवार की संध्या बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाल एवं शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का पुतला लेकर नगर भ्रमण कर बरहरवा स्टेशन चौक पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंकने का काम किया। भाजपा नेता छट्टूलाल साव, नगर अध्यक्ष श्यामल दास, जिला मंत्री फारूक शेख, युवा नेता संजीव गुप्ता, दिनेश शर्मा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का कार्य किया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध एवं निंदा करते हैं। कहा कि देशभक्त पत्रकार अर्णब गोस्वामी को गुंडे की भांति गिरफ्तार करना ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर बदले की भावना से ऐसा शर्मनाक कार्य करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता क्षेत्र का एक काला दिन बराबर है। उन्होंने भारत सरकार से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन घोषित करते हुए पत्रकार अर्णब गोस्वामी को रिहा करने की मांग की है। साहिबगंज से आनंद भगत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुनः उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया हम लोगों ने, और इसका कारण यही है लोकतंत्र पर कलंक। महाराष्ट्र की सरकार ने रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को गुंडों की तरह अरेस्ट करके जेल में भर दिया। झूठे केस में उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी पुरजोर रूप से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी मांग है कि उद्धव ठाकरे को बिना शर्त रिहा करो, और सरकार के विरुद्ध बोलने वाले राष्ट्र देश के चौथे स्तंभ पर हमला बंद करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी लंबा आंदोलन करेगी। और इसकी चेतावनी मैं महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को दे रहा हूं। और इसमें अर्णब गोस्वामी को टारगेट इसलिए किया गया कि उसने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र की पुलिस को, महाराष्ट्र की सरकार को नंगा किया। उसी के विरुद्ध, जो सरकार के विरुद्ध अर्णब गोस्वामी ने रखा, उसी के लिए उसको उसके साथ ऐसा अन्याय किया गया। हम लोग चाहते हैं कि अर्णब गोस्वामी को जल्द से जल्द सरकार रिहा करे। निंदनीय है जो महाराष्ट्र सरकार अपना जो गुंडा राज चला रहा है उसको अविलंब बर्खास्त करे, और इस इमरजेंसी किसी तरह नहीं होना चाहिए। पुलिस जिसका उसका बेटा संलिप्त है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, दोनों ही लोग संलिप्त है सोनू सिंह वाला मर्डर केस में। स्थायी रूप से इसी का जो उजागर किया, इसी में देश भर में यूपीए सरकार बौखला गया है। और हम लोग अगर सोनू गोस्वामी का अगर रिहा नहीं होता है तो आगे भी जंतर मंतर तक आंदोलन भाजपा का जारी।